Hey, what's up guys? Welcome back to another video. तो काफी टाइम से ऑफलाइन गेम्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, तो आज फाइनली लेके आया हूँ टॉप 5 ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉइड एंड काफी बढ़िया गेम्स लेके आया हूँ इस बार, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, पास में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। एंड इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो अपना फेवरेट टॉपिक कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते बिना किसी देरी के, एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 1000 लाइक्स, तो लाइक्स भी कंप्लीट कर देना। तो दोस्तों लिस्ट में नंबर 5th पे गेम आता है, उसका नाम है एंडलेस नाइटमेयर। इस गेम की बात करो तो एक काफी बढ़िया हॉरर गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड साइज की बात करें सिर्फ और सिर्फ 133 MB का ये गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो गेम की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आप एक पुलिस वाले का रोल प्ले करते हो जिसका नाम है जेम्स, एंड उसकी बेटी और वाइफ का मर्डर हो जाता है उसके घर में। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करना है, एंड रात में आपको काफी ज्यादा हॉरर सीन्स देखने मिलेंगे, उन दोनों के भूत आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपको सर्वाइव करना होता है, एंड आपको अलग अलग जगह पे जाके क्लूज को इकट्ठा करना है और आपको पता लगाना है कि उसकी वाइफ को किसने मारा है। तो इस तरीके से आपको गेम के अंदर सर्वाइव करना होता है। ओवरऑल देखा जाए तो गेम के ग्राफिक आपको डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं, एंड जो साउंड वगैरह वो भी काफी ज्यादा डरावने देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको हॉरर गेम्स पसंद हो, इस टाइप की गेम्स अच्छे लगते हो, तो इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना। दोस्तों इसमें नंबर 4th पे गेम आता है, उसका नाम है राइज ऑफ डेमन्स। इस गेम की बात करें तो एक FPS शूटर गेम आपको देखने को मिल जाता है, इसका साइज है 347 MB। गेम की बात करें तो ग्राफिक आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, एंड इसमें आपको जॉम्बीज जैसे क्रिएचर्स हर जगह पे देखने मिलेंगे जो कि आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो आपको उनको मारना है और उनके अगेंस्ट सर्वाइव करना है। गेम के अंदर आपको काफी बढ़िया फ्यूचरिस्टिक वेपन्स देखने को मिल जाएंगे, एंड बहुत ही बढ़िया लगता है गेम को खेलने में। ग्राफिक की क्वालिटी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एंड जब जॉम्बीज वगैरह को मारते तो जो इफेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। गेम का लेवल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको बहुत ही ज्यादा ताकतवर जॉम्बीज देखने मिलेंगे जिनसे सर्वाइव करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया जॉम्बी शूटर गेम आपको देखने को मिल जाता है जो कि कंप्लीटली FPS होने वाला है। एंड साइज की बात करें तो साइज भी आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको जॉम्बी शूटर गेम्स पसंद हो तो इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों नंबर 3 पे गेम आता है, उसका नाम है एक्सट्रीम कार ड्राइविंग सिमुलेटर। इस गेम की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया कार ड्राइविंग सिमुलेटर गेम आपको देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपको बहुत ही बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाता है, एंड काफी सारी अलग अलग सुपर कार्स आपको ड्राइव करने को मिल जाती है जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज, काफी सारी अलग अलग SUVs ड्राइव करने को मिल जाती है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया कार ड्राइविंग गेम आपको देखने को मिल जाता है, एंड इस गेम के अंदर आप अपनी कार को कस्टमाइज कर सकते हो, उसको कलर करा सकते हो, उसके पार्ट्स को अपग्रेड कर सकते हो, एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें भी कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया कार सिमुलेटर गेम है, एंड इसका साइज बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 71 MB का ये कार गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो मैप भी आपको काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, एंड जो ग्राफिक वगैरह है वो भी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में आपको बटन कंट्रोल देखने मिल जाएंगे, स्टीयरिंग देखने मिल जाएगा, टिल्ट कंट्रोल देखने मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको सिंपली कार को चलाना है, इधर से उधर घूमना है, ओपन वर्ल्ड मैप पे उसको एक्सप्लोर करो, जगह जगह पे आपको मिशंस देखने को मिल जाएंगे, उन मिशंस को कंप्लीट करो, तो एक बहुत ही बढ़िया कार ड्राइविंग आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें नंबर 2 पे गेम आता है, उसका नाम है मिशन बर्लिन। इस गेम की बात करें तो एक एक्शन बेस्ड एडवेंचर गेम आपको देखने को मिल जाता है जो कि ओपन वर्ल्ड जैसा फील होता है आपको। तो इसमें बेसिकली आप एक स्पाई का रोल प्ले करते हो, ना आपको काफी सारे अलग अलग मिशंस दिए जाते हैं जिनको कि आपको कंप्लीट करना होता है। गेम की बात करें तो ग्राफिक आपको डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं, एंड इस गेम का साइज सिर्फ और सिर्फ 65 MB है। तो 65 MB के हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको अलग अलग वेपन्स देखने मिल जाएंगे, काफी सारे अलग अलग अच्छे अच्छे वेपन्स है, काफी सारी कार्स है जो कि पुरानी ओल्ड 90s की कार्स आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको सिंपली स्टोरी लाइन बेस्ड मिशंस होते हैं जिनको कि कंप्लीट करना होता है, एंड इस तरीके से गेम को खेलना होता है। तो जहां तक मुझे याद है ये कोई सी मूवी आई थी उसके ऊपर बेस्ड है गेम। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया गेम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें नंबर 1 पे गेम आता है, उसका नाम है मडनेस ऑफ रोड कार सिमुलेटर। इस गेम की बात करें तो काफी बढ़िया ओपन वर्ल्ड ऑफ रोड कार सिमुलेटर गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे काफी सारे व्यूवर्स जो है वो ऑफ रोड कार ड्राइविंग गेम्स को पसंद करते हैं, तो इस गेम को एक बार चेकआउट जरूर करना, बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड गेम आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके जो ग्राफिक है, जो टेक्सचर वगैरह है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड जो वाटर वगैरह है वो भी बहुत ही बढ़िया दिखता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि रियलिस्टिक गेम है। साइज की बात करें तो 878 MB का इसका साइज आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो ग्राफिक की क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बटन कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपने अगर मड रनर गेम को एंड्रॉइड में खेला हो तो उस गेम के जैसे सेम टू सेम ग्राफिक्स
ऑब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस गेम के अंदर भी आपको काफी सारे अलग अलग मिशंस देखने मिलते हैं जिनको कि आपको कंप्लीट करना होता है, एंड काफी सारी अलग अलग कार्स आपको ड्राइव करने को मिल जाती है, काफी सारी SUVs ड्राइव करने मिल जाएगी, पिकअप ट्रक से ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स आपको ड्राइव करने मिल जाएंगे, एंड आप उन व्हीकल्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड पास में बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दो। तो बस मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।